कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी केवजन पांडेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया तथा कोविड के मरीजों के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज में L1 समकक्ष अस्पताल बनाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज के बालिका छात्रावास में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए 150 संख्या का अस्पताल तैयार किया जाए और उसे शासन से नोटिफाई कराने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि जनपद में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि L1 समकक्ष चिकित्सालय बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत लोगों की सघन जांच की जाए। इस अवसर पर SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, कितने दिन का लग जाएगा अपने आप यूज ना करें? 1500 हो जाएगा सर, यहाँ 200 आराम से हो जाएगा। ये वो सामने वाली विंग है ना, इसी की तरह वो वाला बताइए कहाँ है। सर आज तो एक हॉस्पिटल में सर बैठे और वहाँ एक पॉजिटिव निकला है। जो है वातावरण में ज्यादा होती है, अगर उनको अच्छी जगह रखेंगे तो उनकी इम्यूनिटी वो जल्दी ठीक होगी।
200 बेड की व्यवस्था कर लें, जिससे कि यदि कोई हमें आवश्यकता पड़े तो उसकी हम उसको हम जरूरत कर सकें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक वीक में इसको भी रेडी कर देंगे हम। और ये L1 समकक्ष होगा, वही प्रयास किया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय और SSP साहब के साथ में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी।